हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द 27th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट 2. इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द टाइम पीरियड मेजरमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टाइम पीरियड मेजरमेंट देखेंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग जो है मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल देखेंगे. ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका ब्लॉक डाइग्राम है, आपका टाइम पीरियड का ब्लॉक डायग्राम है, बट ये जो है सिमिलर है आपका फ्रीक्वेंसी, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर के ये लगभग सिमिलर है. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है बेसिकली, कि आपका जो यहाँ पर से जो गेटिंग सिग्नल जो जा रहा था वो कहाँ जा रहा है, मेन गेट में डायरेक्ट जा रहा है विदाउट एनी डिकेड डिवाइडर. ओके, और आपका जो इनपुट सिग्नल है वो कहाँ से गेट कंट्रोल डिवाइस में, गेट कंट्रोल ब्लॉक में ये इन कर रहा है फॉर द ओपन एंड क्लोज. तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है कि टाइम पीरियड मेजरमेंट जो है यहाँ पर जो ब्लॉक यूज़ करते हैं वो सिमिलर होता है आपका फ्रीक्वेंसी मीटर के तरह, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है कि मेन गेट का जो सिग्नल है वो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं. दैट मीन्स कि गेटिंग सिग्नल को हम लोग जो है डायरेक्ट इनपुट करते हैं विदाउट एनी डिकेड डिवाइडर, और उसके बाद जो गेट कंट्रोल सिग्नल जो होता है वहाँ इनपुट सिग्नल जो होता है या काउंटेड इनपुट सिग्नल जो होता है वो गेट कंट्रोल के लिए होता है. ठीक है, ताकि यहाँ पर से फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से हम लोग जो है मेन गेट को ऑन या ऑफ कर सकें. तो आइए हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं. तो टाइम पीरियड मेजरमेंट का जो मेन पर्पस होता है कि जब हम लोग लो फ्रीक्वेंसी मेज़र करते हैं तो उसका जो एक्यूरेसी फ्रीक्वेंसी मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आ पाता, इसलिए हम लोग जो है टाइम पीरियड मेज़रमेंट करते हैं. क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है. ठीक है, एंड दिस इज़ काउंटेड इन सेकेंड्स. ओके, ये सेकेंड इसका यूनिट है. तो यहाँ पर टाइम पीरियड मेज़र करने लो फ्रीक्वेंसी को एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड को मेज़र करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं ताकि हम लोग ईजिली फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकें. यहाँ पर टाइम पीरियड मेज़रमेंट करने के लिए जो है इनपुट सिग्नल जो मेन गेट का होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं टाइम और बेस इनपुट सिग्नल से. तो यहाँ पर जो होता है कि टाइम पीरियड कैन बी डन, यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं काउंटेड सिग्नल और गेटिंग सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, आपस में रिवर्स कर देते हैं. तो गेटिंग सिग्नल जो होता है यहाँ पर वो जो डिराइव होता है वो जो वर्क करता है जिससे हमारा जो है मेन गेट का कंट्रोल होता है ऑन और ऑफ, या फिर हम लोग कहें ओपनिंग और क्लोजिंग जो है उसका वर्क करता है, या फिर हम ये कहें कि वहाँ पर जो एंड गेट यूज़ होता है वो कब हाई पर होता है और कब लो पर होता है, कब वो उसका आउटपुट पास होता है, दैट मीन्स कि आउटपुट वन होता है. उस कंडीशन पर जब दोनों इनपुट हाई होगा तो उसका आउटपुट वन होगा, और दोनों इनपुट जब लो होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा, लो होगा. तो ये उसको क्या करता है, डिसाइड करता है. ओके, यहाँ पर जो कंट्रोल होता है इनपुट सिग्नल से हम लोग डिसाइड करते हैं, इनपुट सिग्नल से जो है हम लोग मेन गेट का ओपन और क्लोज को हम लोग डिसाइड करते हैं, बट वहाँ पर जो है इनपुट सिग्नल से हम लोग डिसाइड नहीं करते, वहाँ पे टाइम बेस के हेल्प से हम लोग जो है टाइम बेस के इनपुट से हम लोग उसको डिसाइड करते हैं. ओके, तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम में जो है, ये जो डायग्राम है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग डायग्राम है तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये क्योंकि वन डिकेड डिवाइडर से इनपुट गया हुआ है, दैट मीन्स के आपको यहाँ पर जो काउंटेड सिग्नल जो होगा वो जो है आपका 10 माइक्रो सेकेंड का काउंटेड सिग्नल होगा. दैट मीन्स के उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा 0.1 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी वो यूज़ करेगा. तो यहाँ पर जो आपका पल्सेस जो भी उस टाइम पर, उस ड्यूरेशन पर, दैट मीन्स 10 माइक्रो सेकेंड के ड्यूरेशन पर जितना भी पल्सेस पास करेगा वो जो है डिकेड काउंटिंग असेंबली से क्या करेगा, काउंट करेगा. काउंटिंग असेंबली वहाँ पर क्या करेगा, काउंटर, इन अदर वर्ड्स वी कैन से काउंटर से इसको हम लोग काउंट करेंगे कि कितना पल्सेस पास हो रहा है, और उसको क्या करेगा, डिस्प्ले पर शो करेगा. यहाँ पर है कि एक ड्रॉबैक होता है बेसिकली यहाँ पर टाइम पीरियड को मेजरमेंट करने का, कि यहाँ पर एक्यूरेसी एट लो फ्रीक्वेंसी, एक्यूरेसी जो है इसका लो होता है, और यहाँ पर जो है लो फ्रीक्वेंसी पर, और लो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए जो है
टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेना होता है। यहाँ पर स्पेलिंग इनकरेक्ट है तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेना होता है, दैट मीन्स कि अगर f कैलकुलेट करना होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 1/T लेंगे। तो ये बेसिकली आपका ड्रॉबैक है कि जब भी आप लोग टाइम पीरियड से लो फ्रीक्वेंसी को मेज़र करेंगे तो उसका हर बार जो है आपको रेसिप्रोकल लेना होगा। ओके, दिस इज़ द एग्जांपल कि अगर हम लोग सपोज़ कि 60 हर्ट्ज़ को मेज़र करते हैं तो उसके लिए काउंटर पर जो डिस्प्ले होगा वो 16.6673 मिली हर्ट्ज़ जो है डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका फ्रीक्वेंसी आएगा, जब हम लोग इतना डिस्प्ले करता है सपोज़, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो 59.9977 हर्ट्स होना चाहिए, वो आपको डिस्प्ले मतलब फ्रीक्वेंसी इतना कैलकुलेट होगा। तो टाइम पीरियड ये डिस्प्ले करेगा, दैट मींस कि ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 60 हर्ट्स अज्यूम करते हैं। तो दिस इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, बट एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल पीरियड एवरेज मोड जो है, मल्टीपल पीरियड एवरेज मोड ऑफ ऑपरेशन, इसको हम लोग जो है यूज़ करते हैं। उस कंडीशन पर क्या होता है कि हमारा जो मेन गेट है वो ओपन रहता है एक से ज़्यादा पीरियड के लिए, ठीक है, अननोन सिग्नल के एक से ज़्यादा पीरियड के लिए ओपन होता है। तो उस कंडीशन पर जो सिग्नल है वो जो है एक से ज़्यादा डिकेड डिवाइडर से वो पास होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि 10 से डिवाइड होता है, फिर 100 से डिवाइड होता है, फिर 1000 से डिवाइड होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे डिस्प्ले पर जो है मल्टीपल रेंजेस आप लोगों को प्रोवाइड होता है, मल्टीपल रेंजेस अलग बार बार डिवाइड होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि पॉइंट का वैल्यू जो है, पॉइंट का पोजीशन वो चेंज होता रहता है। और उसके वजह से क्या होता है कि हम लोगों को ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हम लोगों को डिस्प्ले पर दिखता है, ओके, और उसके वजह से हम लोग जो है एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट जो है पीरियड मेज़रमेंट हो गया, ठीक है। दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियड मेज़रमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड द टाइम इंटरवल मेज़रमेंट। एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।